हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूर्वा एंड अगर आप लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वेलकम टू माय चैनल। मैं यहाँ बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट के बारे में। अगर आप लोग इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग मुझे फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फुल मून के बारे में जो पड़ रहा है 17th of September 2024 को। ये जो फुल मून आ रहा है ये है पाइसेस में एंड इस टाइम पे लूनर एक्लिप्स भी पड़ रहा है। बेसिकली हम लोग इस वीडियो में जानेंगे आप किस चीज से रिलेटेड इस टाइम पे रिचुअल्स कर सकते हैं एंड कैसे एनर्जीज इस टाइम पे चल रही हैं। सिंस ये जो सुपर मून पड़ रहा है ये पड़ रहा है पाइसेस में, ठीक है। काफी लोग इस टाइम पे अपने इमोशंस को बहुत डीपली एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ऑल्सो पाइसेस जो होता है काफी इंट्यूटिव साइन है, तो काफी लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको इस टाइम पे विविड ड्रीम्स आ सकते हैं उनकी लाइफ से रिलेटेड, या फिर उनको गाइडेंस आ सकती है, गाइडेंस चैनल हो सकती है इस टाइम पे ड्रीम्स के थ्रू। काफी लोग स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन भी इस टाइम पे एक्सपीरियंस करेंगे। तो अगर आप अपनी कुंडलिनी पे काम कर रहे हैं, थर्ड आई पे काम कर रहे हैं, थर्ड आई विजन पे काम कर रहे हैं, तो ये टाइम बहुत अच्छा है उस चीज से रिलेटेड अपने इंटेंशन को यूनिवर्स में देने का। बट हम मेजरली इसकी बात करें, ये जो टाइम है ये एंडिंग एंड न्यू बिगनिंग्स का टाइम है, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। एंड इस टाइम पे बेटर होगा आप रिलीजिंग रिचुअल्स करें रिलेटेड टू इमोशंस। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन फॉलो करते हैं, आपने एक चीज सुनी होगी, आपके इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मैनिफेस्टेशन के गेम में, राइट। तो अगर आप कोई चीज मैनिफेस्ट कर रहे हो बट आपके माइंड में नेगेटिव प्रोग्रामिंग है, फिर नेगेटिव एक्सपीरियंसेस आपकी लाइफ में कभी पास्ट में हुए हैं, नेगेटिव ट्रॉमा है जो अभी तक हील नहीं हुआ है, जिसकी वजह से आपके माइंड में एक बैक ऑफ द माइंड में एक नेगेटिव स्टोरी चलती रहती है, राइट। आप भले ही कितने मेथड्स कर रहे हैं, टेक्निक्स कर रहे हैं, बट स्टिल एक नेगेटिव फियर है, इमोशन है कि शायद कहीं दोबारा से ऐसी चीज ना हो जाए या फिर कुछ उल्टा ना हो जाए। अगर आपके इस टाइप के सप्रेस्ड इमोशंस हैं, कुछ पुराने ट्रॉमास हैं, तो ये बहुत ही बेस्ट टाइम है उन चीजों को रिलीज करने का। अगर आप कोई चीज मैनिफेस्ट कर भी लोगे बट अगर आपके अंदर एक नेगेटिव प्रोग्रामिंग है, एक नेगेटिव थॉट है आपके अंदर, नेगेटिव फियर है, तो ऑब्वियसली बात है वो जो मैनिफेस्टेशन हुई है वो वापस से रिवर्स हो सकती है। तो नेगेटिव इमोशंस को, नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को रिलीज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारी खुद की हीलिंग में। अगर आपने कभी भी कोई ट्रॉमा झेला है, रिलेशनशिप का हो सकता है, पेरेंट्स की तरफ से हो सकता है, फैमिली की तरफ से हो सकता है, कोई बुली या फिर बचपन में कुछ चीज ऐसी हुई है आपके साथ में जो आपको अब तक इम्पैक्ट करती है, तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है उस चीज को रिलीज करने का। ये फुल मून जो है काफी अच्छे से आपको हील कर सकता है जो भी आपके सप्रेस्ड इमोशंस हैं, ट्रॉमास हैं, उनको एंड करना एंड न्यू बिगनिंग की तरफ आगे बढ़ना, ठीक है। कंप्लीशन ऑफ दोज नेगेटिव इमोशंस एंड उनको रिलीज करना एंड एक न्यू बिगनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर आप इस चीज से रिलेटेड इस टाइम पे स्पेल वर्क या रिचुअल्स करते हैं तो उसके आपको बहुत अमेजिंग बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर हम बात करें आप क्या क्या रिचुअल्स इस टाइम पे कर सकते हैं, सबसे पहली चीज आप कम से कम 1 आवर या 60 मिनट्स आप ऐसे अपने हार्ट चक्रा पे हाथ रख के आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, इस प्रेयर को चैंट कर सकते हैं। नॉर्मल माइंड चैंटिंग भी कर सकते हैं या जैसे भी आप कंफर्टेबल होते हैं, आपने अपनी हीलिंग करनी है। ये बहुत ही पावरफुल हीलिंग प्रेयर है एंड इस टाइम पर अगर आप इस प्रेयर को करते हो आप बहुत जल्दी हील करोगे। आप इस प्रेयर को ऑब्वियसली डेली भी कंटिन्यू कर सकते हो बट अगर आप 60 मिनट्स या 1 आवर इस दिन में अपने फुल मून के टाइम पे इस प्रेयर को बोलते हो, अपने हार्ट चक्रा पे हाथ रख के, आपको बहुत अमेजिंग हीलिंग मिलेगी एंड सेल्फ लव आपका इंक्रीज होगा। अगर आपके मन में कोई भी नेगेटिव थॉट्स हैं, डाउट्स हैं, इमोशंस हैं, कुछ भी है, टाइम पे आपने उन्हें रिलीज करना है। अगर ये आपके रिलीज नहीं होते हैं तो ऑब्वियसली बात है हिंड्रेंस क्रिएट होती है, मैनिफेस्टेशन प्रॉब्लम आती है, राइट। तो आपने इस चीज पे ध्यान देना है, खुद को हील करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप एक और चीज कर सकते हैं, अगर आप फीमेल हैं, आपने अपने सैक्रल चक्रा पे अपने दोनों हाथ रखने हैं, बेसिकली हम यहाँ पे वूम हीलिंग कर रहे हैं, आपने इसी प्रेयर को बोलना है अपने वूम पे हाथ रख के, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये 4 फेजेस में प्रेयर डिवाइडेड है ना, आपने सिर्फ और सिर्फ अपने सैक्रल चक्रा पे फोकस करना है और आपने इस प्रेयर को बोलना शुरू कर देना है। नेक्स्ट आप एक और चीज कर सकते हैं, आपने एक पेपर लेना है, पेन लेना है एंड एक कैंडल लेनी है। अगर हो सके तो आप एक ब्लैक कैंडल लें, अगर आपके पास ब्लैक नहीं है गो विद व्हाइट कैंडल। जितने भी आपके नेगेटिव फियर हैं, इश्यूज आपको जो भी लाइफ में हुए हैं या फिर जो भी ट्रॉमा आपका है, आपने वो सब लिखना है, नॉर्मल लिखना है। ये मत सोचे मैनिफेस्ट होगा ऐसा कुछ, आपने ये सब के बारे में इस टाइम नहीं सोचना है, हम यहाँ पे हीलिंग कर रहे हैं, हीलिंग की इंटेंट है यूनिवर्स में, राइट। तो आपने जो भी आपका फियर है, सपोज आप कोई भी चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हो बट आपके अंदर एक फियर इमर्ज होके आता है कहीं ऐसा ना हो जाए, जस्ट राइट इट डाउन। जो भी आपके फियर है, ट्रॉमास हैं, जो भी आपकी लाइफ में चीजें हुई हैं, जो भी आपने फेस किया है, जितना भी पेनफुल वो सब है, आपने उसको लिखना है। लिखने के बाद आपने उस पेपर को लेना है और उसको फाड़ देना है अच्छे से, जितने भी आप उसके पीसेस कर सकते हो, टुकड़े कर सकते हो, पूरी
भी फ्रस्ट्रेशन आपने उसमें निकाल देनी है। बेसिकली हम यहाँ पे अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, पूरा अच्छे से आपने उसको अच्छे से फाड़ना है, पूरा उस पेपर में अपना एग्रेशन निकाल देना है, उसको पूरा फाड़ देना है अच्छे से। एंड अगर आपके मल्टीपल पेजेस हैं तो भी कोई ऐसा इशू नहीं है, आपने बस इस प्रोसेस को फॉलो करना है। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने इन पेपर को लेना है, अपने ऊपर से आपने एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स घुमाना है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने सॉल्ट लेना है, नमक लेना है आपने, ठीक है, फिर आपने कपूर लेना है, कैम्फर लेना है। ये सब नेगेटिविटी रिलीज करने के लिए बहुत अमेजिंग इंग्रेडिएंट्स हैं मैजिक क्राफ्ट में। कैम्फर लेना है आपने। इसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने ब्लैक कैंडल लाइट करनी है। अब आपने अपने मन में इंटेंशन देनी है कि जो भी नेगेटिव ट्रॉमा है मेरा, नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिव बिलीव्स है, नेगेटिव इमोशंस है, वो सारे मैं लेट गो करने के लिए रेडी हूं। अब आपने इस कैंडल से इस कैम्फर को जलाना है, सॉल्ट लेना है, उसके ऊपर आपने कैम्फर रखना है जितना भी आपके लिए रिक्वायर्ड है। उसके बाद आपने ये जो पेजेस हैं आपके पास, जो उसके पीसेस हैं, आपने इसको उस पे रख देना है, जला देना है। और उस फायर को देख के आपने इंटेंशन देनी कि जो भी इमोशंस हैं जो मैंने इसमें लिखे हैं वो सारे मैं आज रिलीज करता हूं, मैं यहाँ पे सब चीजों की एंडिंग करता हूं एंड मैं नई बिगनिंग्स के लिए ओपन करता हूं खुद को, अपनी एनर्जीज को मैं ओपन करता हूं। आपने इस इंटेंशन के साथ उसको देखना है, जब ये सब प्रोसेस हो जाता है आपने इसे अपने घर से बाहर डिस्कार्ड कर देना है, ठीक है। ये नेगेटिव एनर्जी है, ये हमें अपने घर में भी नहीं चाहिए, तो हम इसको रिलीज कर देंगे। ये रिचुअल अगर आप बहुत ही फोकस के साथ करते हो, बिलीव में आप बहुत जल्दी हील करोगे। अगर आप भी ऐसे सिचुएशन को फेस कर रहे हो, आप इस स्पेल को जरूर करें। ऑल्सो अगर आप इस स्पेल को और भी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, जब आप इसको बर्न करेंगे, इन पेजेस को आप बर्न करेंगे, इन पीसेस को जब बर्न कर रहे होंगे, अपने मन में आपने लगातार बस ये मंत्र बोलना स्टार्ट कर देना है, ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः। बिकॉज मंगलवार का दिन है, हनुमान जी का दिन है, जो भी आप हीलिंग कर रहे हो अपनी, ये बहुत अच्छे से इफेक्टिवली आपको लगेगी। आप ये भी कर सकते हो, अगर आप लॉर्ड हनुमान जी को मानते हो तो आप इस टाइम पे उनका ये रिचुअल कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। सिंस जैसे कि मैंने कहा है, ये एंडिंग भी है और न्यू बिगनिंग भी है, तो इस टाइम पे अपने इमोशंस को रिलीज कर सकते हो, उन्हें एंड कर सकते हैं, न्यू बिगनिंग्स, जो भी आप लाइफ में चीजों को मैनिफेस्ट करना चाहते हो। सिंस ये जो मंथ है, इस टाइम पे 9-9 का पोर्टल है, 9 ये मंथ है, एंड ये जो फुल मून पड़ रहा है ये ट्यूजडे के दिन है, राइट। आप ट्राई करें रेड कलर के साथ इस टाइम पे काम करना, आप इस टाइम पे जितना हो सके रेड कलर को अपने स्पेल्स या रिचुअल्स में इंक्लूड करें। आपने पेपर लेना है और एक रेड पेन लेना है, जो भी आप चीज मैनिफेस्ट करना चाहते हो आपने रेड पेन या रेड इंक से उस चीज को लिखना है, उस चीज को लिखना है प्रेजेंट टेंस में, जैसे कि वो चीज हो रही है या हो चुकी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि न्यू बिगनिंग्स के लिए भी आप इस टाइम पे रिचुअल्स कर सकते हो, एंडिंग के लिए आप इस टाइम पे कर सकते हो। तो जिस भी चीज की आप न्यू बिगनिंग या नई शुरुआत करना चाहते हो तो भी आप उसकी स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, प्रॉपर एक कहानी लिखनी है, स्क्रिप्टिंग करनी है प्रॉपर तरीके से, जैसे कि वो चीज आपकी आ चुकी है। सपोज आप कोई न्यू बिजनेस प्लान कर रहे हो, नए कॉलेज का प्लान कर रहे हो, कोई नई ऐसी चीज है जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो आपने उस चीज को लिखना है किसी भी न्यू बिगनिंग के लिए, ठीक है। आपने अपने विश को लिखना है, मेडिटेट करना है, विजुलाइजेशन करना है कुछ देर तक, उसके बाद इस पेपर को आपने जला देना है, रिलीज कर देना है इस विश को यूनिवर्स में। जो एशेज है आप बाहर जाके से ब्लो कर सकते हो, यूनिवर्स को एडवांस में थैंक यू बोल सकते हो, आपने सिर्फ इतना करना है। बट स्टिल मैं कहूंगी कि ये टाइम बेस्ट है हीलिंग के लिए, रिलीजिंग के लिए, तो आप ट्राई करें इस टाइम पे उस चीज पे फोकस करने का। बट अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा रिलीजिंग का नहीं है तो आप इस तरीके से मैनिफेस्टेशन रिचुअल भी इस टाइम पे कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स नॉट लाइक कि आपने सिर्फ यही रिचुअल्स को फॉलो करना है, आप इस टाइम पे दो टाइप के एलिमेंटल मैजिक यहाँ पे कर सकते हैं, एक तो फायर एलिमेंट यहाँ पे यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस टाइम पे वाटर स्पेल्स भी कर सकते हैं। ये टाइम बहुत अच्छा है इन दोनों एलिमेंट्स के साथ काम करने का। तो आई होप आप इन रिचुअल्स को ट्राई करें, खुद को हील करेंगे, बहुत ही अमेजिंग टाइम है। आप नॉर्मली डेज में स्पेल्स एंड रिचुअल्स करते हैं नहीं करते हैं, फुल मून न्यू मून पोर्टल्स पे आप अपना टाइम जरूर दें अपने स्पेल वर्क को, अपने रिचुअल्स को, ठीक है। सो यप, आज के इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करें, मेरे चैनल को ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, आई लव यू एंड बाय। थैंक यू सो मच।